जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका ज़्यादातर मेरे से क्वेश्चन रहता है कि सर हमारे नंबर बहुत कम आते हैं, तो कम समय में पढ़ के या कम टाइम में ज़्यादा नंबर कैसे लाए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या वो चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, क्लियर कर दूं आपको, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहता है कि सर आपके चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों 6-7 दिन के अंदर अंदर आप सभी को सभी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेज RPF कॉन्स्टेबल के लिए भी, आर्मी के लिए भी, साथ में SSGD के लिए भी उस पूरे दिन लाइव क्लासेज चलेगी। साथ में ऑनलाइन कोर्सेज भी आपको बिल्कुल मतलब सामान्य रेट पे नॉर्मल जो इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस पर पूरे कोर्सेज SSGD के, RPF के, साथ में आर्मी के सभी अवेलेबल हो जाएंगे 5-7-10 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि तैयारी चल रही है, आपकी क्लासेज भी लाइव स्टार्ट हो जाएगी। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहता है मेरे से, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर हमारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे वो मॉडल पेपर मिला रहे हैं, चाहे वो कहीं टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो वो अपने आप को जब जांच रहे हैं तो उनके नंबर बहुत कम आ रहे हैं। तो उनका सीधा मेरे से क्वेश्चन रहता है कि सर नंबर कैसे बढ़ाएँ, कि हमारे नंबर जल्दी ग्रो करें, या किस प्रकार से तैयारी करें ताकि नंबर हमारे जल्दी से ज़्यादा नंबर आए। तो कैसे आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, दोस्तों उसके लिए सबसे मैं कुछ खास आपको बातें बताता हूँ। दोस्तों पुराने ज़माने में जब लोग कहते थे कि जिस गाँव को जाना नहीं वहाँ का पूछना भी नहीं, मतलब जिस गांव हमको जाना नहीं वहां का पूछना नहीं, का मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसका मतलब नहीं, ठीक है। तो पहले आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें ना, उस एग्ज़ाम का लेवल चेक करें, लेवल के साथ में उसमें किस टाइप के क्वेश्चन। अब जैसे आप रेलवे में, आप रेलवे का जब एग्ज़ाम दोगे ना, मैं आपको एक खास चीज़ बताता हूँ, रेलवे के एग्ज़ाम की खास चीज़ है आपको ऐसी बुकें मिलेगी जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि रेलवे में पिछले 20 सालों में ये क्वेश्चन आए, और ज़्यादातर वही सेल होगी। क्यों होगी? क्योंकि रेलवे में सिर्फ वही क्वेश्चन रिपीटेशन होते हैं, वही पैटर्न चलता है और उसी की तैयारी करते हैं। अब आप क्या करते हो कि सर पे लोड कर लेते हो, ओवरलोडेड, फुल ओवरलोडेड होता था, सर पे जगह ही नहीं रहती है। तो मतलब आप अपने काम की कम और फालतू की चीज़ें पढ़ते हो ज़्यादा। फालतू तो नहीं कहूँगा क्योंकि ज्ञान अर्थार्थ है, आप जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन आपका काम क्या है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, कि जो गुड़ खाने से मरता है उसको जहर देने की कहाँ जरूरत है। यानी जो थोड़ी सी तैयारी से, आपकी एक सफिशिएंट तैयारी से जो कंपटीशन फाइट होता है उसको मतलब ज़्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। यानी जो गुड़ खाने से मार सकता है उसको जहर देने की जरूरत ही नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि SSGD का जो एग्ज़ाम होता है ये 10th क्लास पास का एग्ज़ाम है। अगर आप RPF कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में बुक अलग होनी चाहिए, आपके पास में क्वेश्चन, क्योंकि RPF कॉन्स्टेबल में साइंस का लेवल ज़्यादा रहता है, साइंस से, भौतिक विज्ञान से, इनमें से जितने भी साइंस के चैप्टर हैं इनके क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। और जो अपना SSGD है इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं, जैसे हिस्ट्री से हो गए, पॉलिटिक्स से हो गए, स्टैटिक GK से हो गए, और इस बार कंप्यूटर भी ऐड हो जाएगा। तो यानी इसमें क्या होता है, घुमा फिर ओनली ऊपर ऊपर के क्वेश्चन रहते हैं, बड़े बड़े जो क्वेश्चन बनते हैं वो रहते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके ओल्ड पेपर देखने, ओल्ड पेपरों से आपको एक आइडिया मिलेगा कि इसमें रियल में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जब आपको पता चलेगा इसमें रियल में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको उस टाइप के क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपका अपने आप दिमाग जाएगा हाँ इस लेवल का क्वेश्चन तो इसमें आता है, तो उस पर क्या करना, उसको याद करना है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। साथ में अगर आप मेहनत की तैयारी कर रहे हैं तो नंबर ज़्यादा लाने का सबसे खास बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि चाहे मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है, और जब मैंने SSGD फाइट की तो 83, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेरे साथी हैं जिनके 85-86 नंबर भी हैं, उनसे भी जब हमने पूछा है या उनसे भी बात की थी, यही बात निकलती है कि उन्होंने मतलब इस लेवल से ऊपर पढ़ाई नहीं, तो उनका मतलब मैंने खुद में आपको बताता हूँ, जब मैंने तैयारी की थी तो 10th क्लास के लेवल की जितनी भी मैथ थी ना उसमें मेरी ऐसी स्पीड थी कि माइंड ने बाद में मल्टीप्लाई करता था, हाथ पे ले करके लिख देता था, इतनी प्रैक्टिस हो गई थी। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही परफेक्ट आती है। तो आपको उन चीज़ों को परफेक्ट करना है जिस चीज़ों का लेवल इसमें रहता। होता क्या कि अगर मान लो बच्चे क्या करेंगे, अपने हार्ड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम गंवाएंगे, जबकि ये लेवल ही नहीं है SSGD का, ठीक है, RPF कॉन्स्टेबल का या आर्मी का। तो इनका जो लेवल रहता है ना, सबसे पहले आपको उसको समझना है कि इनका लेवल क्या रहता है, ठीक है। मैं भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इनके क्वेश्चन कुछ दिखाऊंगा और उन क्वेश्चनों से आपको प्रूव करूंगा कि इसका लेवल इससे बाहर नहीं रहता। अगर रहता भी है तो 10% रहता है या 5% रहता है। तो आप 5 या 10% के लिए अपना पूरा दिमाग ख़राब ना करें, ठीक है। तो इसका जो लेवल रहता है उस लेवल की तैयारी करें। उस लेवल से तैयारी करने से होगा कि आपको फ़ायदा,
उस लेवल से तैयारी करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जिस चीज़ की ज़रूरत है ना वही मिलेगी, और वो ज़्यादा लेनी है जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो कम लेनी है। तो करंट जीके जैसे आप रेगुलर पढ़ते ही हो, अगर और जो जीके की अगर कोई से भी जीके की बात करें तो उसमें आप देखिए कि SSC GD है, 10th क्लास पास का कंपटीशन है। जब 10th क्लास पास में आपको पता है IPS लेवल का क्वेश्चन तो आएगा नहीं, और अगर आ भी जाएगा तो एक आएगा और वो एक सभी का माइनस पॉइंट रहेगा। तो इसलिए जो चीज़ें ईजी है, जो सरल है, या जो 10th लेवल की है चाहे हिंदी हो, इनको क्या करना है आपको परफेक्ट करना है, निरंतर प्रयास कर करके इतना परफेक्ट कर लेना है कि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत नहीं जाए। तो नंबर बढ़ाने का सबसे जो मास्टरमाइंड तरीका ना वो ये है कि आपको SSC GD का लेवल पकड़ के तैयारी करनी है। लेवल पकड़ के तैयारी करने से गारंटी मेरी कम समय में आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। नहीं तो आपकी क्या मेहनत ज़्यादा होगी, स्कोर कम रहेगा हमेशा, क्योंकि आप हार्ड क्वेश्चनों को याद करने के चक्कर में, हार्ड क्वेश्चन मिलाने के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा, आपकी स्पीड का मतलब आपके पर जो तैयारी है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी, आपका माइंड हमेशा उसमें फंसा रहेगा। इसलिए सबसे पहले क्या करना, आपको ये सोच के चलना है कि जो SSC GD का पेपर होता है हर एक पेपर में 80-20 रहता है, यानी 80% ईजी, 20% क्वेश्चन रहते हैं जो बहुत टफ होते हैं, जो सभी के लिए टफ होते हैं आपके लिए। तो आपको तैयार करना है 80% वाला पार्ट। अगर आपने 80% वाला पार्ट कर लिया तो जो टफ के 20% है उसमें भी से भी तो 5-4% खींच ही लोगे ना आप, जब इतने ईजी कर लोगे तो उसमें तो आपके 85 हो गए। इस चीज़ को आप आधार मान के तैयारी करें। अगर इसको आप आधार मान के तैयारी करोगे ना कि मुझे इजी का अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया 10th लेवल का मैथ का या अंक गणित की जो मैथ की प्रणाली, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है इस लेवल तक का तो वो मैं कतई गलत नहीं करूँगा। दोस्तों बहुत ही ईजी लेवल आता है, मैं आपको जितने भी ओल्ड पेपर है वो हल कराऊँगा ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे, जो डिजिटल बोर्ड होगा उस पर टोटल जितने भी शिफ्टों के पेपर है वो सभी के सभी मैं आपको हल कराऊँगा आपके सामने आके टोटल हर एक सब्जेक्ट का। तो आपको पता चल जाएगा उससे कि क्या लेवल रहता है इसका, ठीक है। वो लेवल जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बार लेवल पकड़ लिए उसके बाद में आपको तैयारी का मज़ा आएगा, और तैयारी ऐसी होगी आपकी कि आपका नंबर कोई रोक नहीं सकता, और कम समय में ज़्यादा नंबर स्कोर अपने आप करने लग जाओगे। तो इसलिए सबसे खास बात ये, पुराने जो कहावतें हैं उनको ध्यान रखना कि जिस गाँव जाना नहीं उसका पता पूछना नहीं। तो जो चीज़ें आपके लिए SSC GD के लिए ज़रूरी है सिर्फ उन पर फोकस करें, उसका लेवल देखें। पिछले जो पेपर देखोगे ऑटोमेटिकली आपको लेवल समझ में आ जाएगा कि इसका क्या लेवल है। ये चीज़ आपको देखना है कि इसमें कितना परसेंट हार्ड क्वेश्चन आते हैं, कितने परसेंट इजी क्वेश्चन आते हैं। अपने आप जाके देखोगे 100 क्वेश्चनों में से 80 क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे, 20 या 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टिपिकल रहेंगे, तो उसमें से भी आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आते होंगे जिनको आप कर सकते हो। अभी नहीं तो 3 महीने बाद की तैयारी के बाद में उनमें से आप 15 क्वेश्चन कर पाओगे, तो 70 और 15 85, तो ऐसे स्कोर बनता है। इन चीज़ों को माइंड में लेकर चलना, ठीक है। तो पहले इजी क्वेश्चनों की तैयारी करें, 10th क्लास का लेवल पकड़ के चले, GK हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें अपने काम की चीज़ ज़्यादा डीप ना घुसे, ज़्यादा अंदर ना घुसे, ज़्यादा वर्ल्ड वाइब ना घुसे, ठीक है, ना अंदर घुसे ना ही बाहर घुसे, ज़्यादा नॉर्मल वे देखें। इसके ओल्ड पेपरों से आपको आइडिया लेना है कि कैसा पेपर होता है, फिर देखें कम समय में कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर अपने आप हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।